हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ आपसे। आई नो गलती हो गई, जुर्म हो गया मुझसे। सॉरी। यू नो, जब से तुम गई हो एक बार भी चैन से नहीं सोया। मुझे ना बाप पर तरस नहीं आता जी, आपको पता ही नहीं है करना क्या। आपने मुझसे ब्याह किया, आपको नहीं पता था क्या करना। मुझे यहां ले आए तब भी आपको नहीं पता था क्या करना। लेकिन कोमल को पता था। कामयाब भी हो गई। ऐसी ऐसी अंधी मोहब्बत का मैं क्या करूं जी, जिसकी आंखें ही नहीं है। औलाद के बगैर ना ऐसी मोहब्बत के साथ इंसान गुजारा कर लेता है, लेकिन जब औलाद हो जाती है ना जी, तो ऐसी मोहब्बत मजाक लगने लगती है। तो हाजिम रहा, वो आ गए मुझे हवाई अड्डे से लेने, वरना वरना मैं तो गांव चली जाती। उधर से सरफराज भी छूट गया था। आपको पता है वो लोग क्या करते मेरे साथ। मेरा मुंह काला करके मुझे और काके को पत्थर मार मार के खत्म करते थे। बड़े जंगली लोग होते हैं जी वो, आपको नहीं पता। अब शायद आपको थोड़ा सा एहसास हुआ है तो आप मुझे लेने आ गए। लेकिन मोहब्बत का इम्तिहान तो तब होता जी, जब मुझे पत्थर पड़े होते और आप आकर मुकाबला करते। लेकिन मुझे गरीब मस्कीन, मेरा एहसास कोई क्यों करेगा, मेरा साथ कोई क्यों देगा, मेरा कोई मेरा है ही कौन। कोमल को देखो ना, 100 कत्ल करके भी कार की रानी बनी बैठी है, बरादरी की है ना। मैं ठहरी गरीब जाहिल अनपढ़, मेरी मेरी माँ गांव में पड़े पड़े मर जाएगी। सैनी ठीक कहती है जी, ब्याह होता है जिसमें एक बुआ हमेशा जाने वास्ते खुला होता है। रिस्क का वादा तो खुदा ने किया है ना जी। आप मुझे हक मेहर दे दो, मुझे और आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम गरीबों का पेट तो सूखी रोटी से भी भर जाता है जी, पेट तो कोमल का भी भर जाता। लेकिन पैसे की लालच ना इंसान को बहुत बदनीयत कर देती है। अपने अपने घर को ही इंसान मकबरा बना लेता है। ना ना, मुझे कोई मकबरा नहीं बनाना, मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है। खत्म कर दो जी ये रिश्ता,
मैं गरीब जरूर हूँ जी, कोमल जितनी गरीब नहीं। दो टेबलां, चार कुर्सियां वास्ते मैं अपनी जिंदगी एक चुटमुट की शादी में नहीं गुजार सकती। खोखली सी ये भी भला कोई जिंदगी है ना जी? हमारे बच्चे के लिए प्लीज। पल जाएगा ये, आप इसकी फिक्र ना करो। इदे वास्ते सिल्लत की रोटी खाने से बेहतर है कि मैं इसका बाप बन जाऊं। मैं बन जाऊंगी इसका बाप। कुछ दिन के लिए, बस कुछ दिन। एक दिन वास्ते नहीं आना मैंने जी, एक दिन वास्ते नहीं आना।